मोरहाबादी मैदान में सहिया कर्मियों ने आज हजारों की तादाद में जुटकर अपनी आवाज बुलंद किया। 2000 में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं। भीख नहीं अधिकार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। सभी सहिया कर्मियों को स्थायीकरण करना होगा के जोरदार नारों के साथ मोरहाबादी मैदान से बड़ी संख्या में सहिया कर्मियों ने रैली निकाल कर सिंह हाउस जाने की कोशिश की, जिसे पुनः मोरहाबादी की दिशा में मुड़कर मोरहाबादी मैदान में ही जोरदार प्रदर्शन और सभा किया। झारखंड प्रदेश स्वास्थ्य सहिया साथी संघ के बैनर तले आज धनबाद, बोकारो, देवघर, पाकुड़, जामताड़ा, रांची, लोहरदगा, जमशेदपुर जिले के सहिया कर्मियों मोरहाबादी के प्रदर्शन में शामिल हुए। सहिया साथियों ने प्रतिमा 20,000 मानदेय और स्थायीकरण की मांग पर अपनी आवाज बुलंद किया, जिसकी अध्यक्षता संघ की सचिव माया सिंह ने किया जबकि संचालन रूपा सिन्हा ने किया। वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सहिया बहनों से मिलकर 15 दिनों का समय लिया। देखिए, आज सहिया बहन जितनी हमारे राज्य की सहिया बहनें हैं, वो आज अपनी विभिन्न सूत्री मांगों को लेकर मोरहाबादी मैदान में बैठी हैं। लगभग 3 दिनों से बैठी हैं और मैं जानता हूं कि हमारी सहिया बहनें झारखंड के स्वास्थ्य विभाग की एक महत्वपूर्ण कड़ी है और ये मामला केंद्र और राज्य दोनों से जुड़ा हुआ है। कुछ मामले ऐसे हैं जो केंद्र से जुड़ा है, कुछ मामले ऐसे हैं जो राज्य से जुड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी भी हमारी सहिया बहनों के प्रति संवेदनशील हैं, मैं भी संवेदनशील हूँ। हम लोग बीच का भी रास्ता निकालने पर विचार कर रहे हैं और हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया साहब से भी सहिया बहनों के लिए कई बार बात किया है और मेरा व्यक्तिगत मानना भी है कि सहिया बहनों का जो मानदेय वगैरह है या जो योजनाओं में इनको हिस्सेदारी मिलती है वो काफी कम है और इसको लेकर हम, चूंकि मैं खुद गरीब का बेटा हूं और गरीब के यहां से आया हूं, गरीब की लड़ाई लड़ते आया हूं, तो मैं बहुत जल्दी समझ सकता हूं। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी समझ सकते हैं, तो मुख्यमंत्री जी से भी हमारी इस संदर्भ में बातचीत हुई है, वो भी संवेदनशील है। बीच का रास्ता सरकार निकालने का प्रयास कर रही है और एक बैठक भी हम जल्दी विभाग के हमारे ACS साहब, हम और इनके प्रतिनिधि और हमारे माननीय विधायक विनोद जी, माननीय पूर्व विधायक अरूप चटर्जी जी, सब एक बैठक करके एक इनके निदान के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। 15-20 दिनों में करेंगे, ठीक है। हाँ, बैठक देखिए, जब आदमी परस्पर बैठता है तो कुछ विचार आते हैं, कुछ रास्ता बनता है, ठीक है। तभी ये लोग यहाँ से जाएंगे। देखिए, अब हमने तो हमारी बहनों को कहा है, और क्या चाहिए हम लोग, हमने कोशिश तो कर रहे हैं और मेरी बहनों से हमारी हमदर्दी है और मैं ये समझता हूँ कि इनकी मांग जो है वो जायज है। अब इसमें थोड़ा सा कुछ बीच का ऐसा रास्ता हो जो हम इनको कम से कम एक सुराग बन जाएगा तो सुरंग बनेगी, और जब सुराग ही नहीं बनेगा तो सुरंग कहाँ से बनेगी। तो कुछ पॉजिटिव यदि रास्ता निकलता है, थोड़ा बहुत भी निकलता है, तो उस रास्ते पर चलेंगे तो फिर आगे का रास्ता बनेगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।